नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं एसपी त्रिपाठी। मध्य प्रदेश में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव को लेकर पब्लिक फिर पावर में आ गई है। दरअसल शिवराज सरकार ने कांग्रेस की कमलनाथ सरकार के उस फैसले को पलट दिया है जिसमें मेयर के साथ ही परिषद अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से होना तय किया गया था। सीधे शब्दों में कहें तो तकरीबन साल भर पहले बीजेपी को झटका देने वाली कांग्रेस को अब सत्ता पर काबिज बीजेपी ने कांग्रेस को झटका दिया है। ये झटका कितना जोर का है ये तो कांग्रेस ही जाने, लेकिन इन सब के बीच सवाल ये है कि क्या इससे कांग्रेस को नुकसान होगा और बीजेपी को फायदा। इस पर आज हम चर्चा करेंगे, साथ ही ये जानने की भी कोशिश करेंगे कि सीधे जनता द्वारा चुने गए महापौर और अध्यक्ष क्या विकास कार्यों में तेजी ला पाएंगे, क्या वह भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने में सफल होंगे। इसके साथ ही बात छत्तीसगढ़ की होगी जहां बीजेपी कमबैक की कवायद पर जुट गई है। दरअसल पार्टी के प्रदेश प्रभारी बनने के बाद डी पुरंदेश्वरी और सह प्रभारी नितिन नवीन ने पहली बार छत्तीसगढ़ का दौरा किया और यहां लगातार बैठकें की, जिसके बाद ये सवाल उठ रहा है कि नई प्रदेश प्रभारी पुरंदेश्वरी के दौरे से क्या ठंडे पड़े भाजपाइयों का जोश फिर से हाई होगा। छत्तीसगढ़ में 15 साल तक शासन करने वाली बीजेपी में क्या जल्द कोई सर्जरी यानी बड़ा फेरबदल किया जाएगा, और अगर ऐसा होता है तो फ्रंट में कौन रहेगा, क्या प्रदेश भाजपा में डॉक्टर रमन सिंह का दबदबा बना रहेगा या मिशन 2023 के लिए आलाकमान किसी और पर भरोसा पाएंगे। जनता मांगे जवाब में पहले इसी चर्चा इसी बड़े मुद्दे पे कमबैक की कवायद पर। तो छत्तीसगढ़ भाजपा के नई प्रदेश प्रभारी डॉक्टर डी पुरंदेश्वरी ने दो दिन की बैठक में ही अपने इरादे स्पष्ट कर दिए हैं। उन्होंने पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को एहसास करा दिया है कि अब पूरे जोश और जिम्मेदारी के साथ जमीन पर जाकर काम करना होगा, पार्टी के अंदर दी गई जिम्मेदारियों को समय पर पूरा करना होगा, अब कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए और अगर कोई लापरवाही बरतता है तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मतलब बीजेपी मिशन 2023 के लिए खुद को तैयार कर रही है, लेकिन सवाल वही है कि कांग्रेस इस वक्त जिस तरह से फॉर्म में है ऐसे में बीजेपी की जो कमबैक की कवायद है उसमें क्या उसे कामयाबी मिल पाएगी। चलिए इसी लेकर चर्चा शुरू करें, उसके पहले देख लेते हैं रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में बीजेपी अब कमबैक की कवायद में जुट गई है। बताया जा रहा है कि पार्टी की नई प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने प्रदेश का दौरा करके भाजपाइयों को एक्टिव मोड में लाने की कोशिश की है। पहले ही दिन डी पुरंदेश्वरी ने मोर्चा प्रकोष्ठ, प्रदेश पदाधिकारियों और जिला अध्यक्षों के साथ कोर ग्रुप की बैठक ली थी, तो वहीं दूसरे दिन उन्होंने सांसदों, पूर्व सांसदों, सांसद प्रत्याशियों, विधायकों, पूर्व विधायकों और विधानसभा प्रत्याशियों के साथ लगातार बैठकें की। इन बैठकों में पुरंदेश्वरी ने सभी से उनका परिचय तो जाना ही, साथ ही उन्होंने उनकी कामकाज और पार्टी में मिली जिम्मेदारियों की भी जानकारी ली। बैठक में शामिल रहे नेता बताते हैं कि नई प्रदेश प्रभारी जितनी सहज और सरल हैं, उतनी ही वो जिम्मेदारियों को लेकर सख्त भी हैं। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट हर वक्त दिखती है, लेकिन वे कड़े तेवर वाले भी हैं। उन्होंने स्पष्ट तौर पर निर्देश दिए हैं कि जहां कहीं भी नियुक्तियां शेष हैं उन्हें शीघ्र ही पूरा करना है। हालांकि डी पुरंदेश्वरी से जब बैठकों को लेकर सवाल किए गए तो उन्होंने इसे पार्टी का आंतरिक मामला बताते हुए अंदर की कोई भी बात बताने से इनकार कर दिया, लेकिन उन्होंने ये बात स्पष्ट शब्दों में कही कि बीजेपी का एक ही लक्ष्य और मिशन है और वो है 2023। ये सब अंदर हम जो भी बात करते हैं, दिस इज ऑल डन इंटरनली। हम ये सब बाहर आके आपके मीडिया में तो नहीं बताते हैं, बट वी नो दिस इज अ ट्रू इंट्रोस्पेक्शन दैट वी हैव डन एंड हमें पता है कि व्हाट हैज टू बी डन इन द फ्यूचर एंड वी विल गो अकॉर्डिंग। बीजेपी की प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी का ये भी मानना है कि छत्तीसगढ़ के लोगों का विश्वास आज भी बीजेपी के साथ है, जो 2019 के लोकसभा चुनाव में देखा भी। ऐसे में इस विश्वास को लेकर ही जनता के बीच में पार्टी को काम करने की जरूरत है। खैर, पुरंदेश्वरी के तमाम दावों में कितना दम है और 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी फिर वापसी करेगी ये तो समय बताएगा, लेकिन नई प्रदेश प्रभारी के आक्रामक तेवर से सुस्त पड़ी बीजेपी का जोश जल्द ही हाई हो सकता है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से वैभव शिव पांडे की रिपोर्ट।
तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी की कम बैक की जो कवायद है उसमें उसे कैसे कामयाबी मिलेगी, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ रायपुर से जुड़ गए हैं बीजेपी प्रवक्ता हैं अनुराग सिंहदेव जी। सिंहदेव जी आपका बहुत स्वागत है। स्वराज एक्सप्रेस छत्तीसगढ़ के संपादक मनोज सिंह बघेल हैं, साथ ही हमारे साथ दो वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा जी और भोपाल स्टूडियो में रमेश शर्मा जी। आप सभी तीनों लोगों का स्वागत है। पहले सिंहदेव साहब आपसे ही सवाल है, ठीक है तैयारी हो रही है, निश्चित तौर पर कम बैक होना चाहिए, 3 साल का समय है, लेकिन सबसे पहले जो छत्तीसगढ़ की बीजेपी में जो सामने दिख रहा है उसको आप स्वीकार करें ना करें, जो सामने दिख रहा है कि बीजेपी गुटबाजी में बढ़ गई है, गुटी संतुलन हो पाएगा क्या पुरंदेश्वरी जी के आने से, जो उन्होंने आज क्लास ली है, मैं उसका उदाहरण भी आपको बता देता, कहीं दुर्ग से कोई बयान आ जाता है, कहीं रायपुर से आ जाता है, कहीं सरगुजा से आ जाता है, ये बयान तो एक तय किया जाता है पार्टी के अंदर कि क्या होना है, कभी कोई सरकार गिराने लगता है, कहीं से और की जो कैंडिडेट घोषित होते हैं उनके अगेंस्ट में मामला आ जाता है, तो ये गुटबाजी समाप्त होगी क्या इससे? देखिए, एक तो प्रभारी जी के आगमन से डी पुरंदेश्वरी जो आए हैं, नितिन नवीन जी आए थे, उनके प्रवास से निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को एक नई दिशा और एक नई ताकत मिली है। जी। प्रभारी जी ने लगातार 10 बैठकें की हैं और 10 बैठकों में लगभग सभी से संवाद करने की कोशिश की है। जी। और मुझे लगता है कि इतने कम समय में इतने अधिक लोगों से संवाद करना ये उनके विशिष्ट कार्यशैली की तरफ इशारा करता है, चाहे वो पूर्व विधायक हो या विधायक हो या विधायक के प्रत्याशी हो, संगठन के जिला अध्यक्ष हो, प्रदेश के पदाधिकारी हो, सबसे बातचीत किया है, कोर ग्रुप से बातचीत किया है जी। और सबसे फीडबैक लेने की कोशिश की है कि हम लोग कैसे बेहतर कर सकते हैं जी। और उसके बाद जो इनपुट है उसके आधार पर उन्होंने आने वाले समय में 1000 दिन की एक कार्य योजना बनाने का निर्देश उन्होंने दिया है और उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ आने वाले समय में आगे बढ़ेगी, जिसमें एक महत्वपूर्ण जो बिंदु है वो है हमारा टीम स्पिरिट, कि हम टीम स्पिरिट के साथ सभी वरिष्ठ नेता मिलके प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को मजबूत बनाने के लिए काम करेंगे। तो मतलब टीम स्पिरिट आ जाएगी, अभी तो नहीं दिख रही है टीम स्पिरिट। देखिए, टीम स्पिरिट तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर है ही है और भारतीय जनता पार्टी के अंदर लोकतंत्र का एक एक व्यवस्था भी है ताकि अपनी बात लोग रख सके, कई बार वो बातें मीडिया में भी आ जाती है स्वाभाविक रूप से, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर और उचित प्लेटफॉर्म में बात रखने के लिए सभी नेताओं को आज़ादी है, स्वतंत्रता है, और जो उनकी बात रहती है उसकी उसको सुना भी जाता है और उस पर पार्टी के वरिष्ठ नेता उस पर निर्णय भी लेते हैं, और पुरंदेश्वरी जी ने यही काम किया कि उन्होंने बहुत सारे सभी नेताओं को एक एक करके सुना है और आने वाले समय में भी सुनेंगी और उस पर वो आने वाले समय में फिर वो कैसे उसको आगे बढ़ा सकती है इस पर वो निर्णय लेंगी। मैंने उम्मीद करी इस बात को लेकर के कि आगे आने वाले जो बयान होंगे कोई एक आदमी बयान देगा, सब अलग अलग कहीं से बयान नहीं दे देंगे, कोई एक नेता आपका। देखिए, कई बार तो मीडिया में कुछ ऐसी बातें भी आ जाती है जिसकी भावना वो नहीं रहती है, लेकिन उसको उनके मतभिन्नता से जोड़ा नहीं जा सकता है, मतभेद से जोड़ा नहीं जा सकता है। कुछ हो सकता होगा कि कोई ऐसी बात हो सकती होगी जो कोई भी वरिष्ठ नेता जो उसको प्लेटफॉर्म में कहना चाहिए वो नहीं कह पाए होंगे, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि पार्टी के विरोध में चले गए, वो पार्टी के अंदर रहते हैं और अपनी बात समय समय पर रखते रहते हैं। बिल्कुल, इसमें कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है, इसको गुटबाजी से जोड़कर देखना उचित नहीं होगा मुझे लगता है। बिल्कुल मनोज जी, गरीब की गाय मीडिया ही है, कोई भी बयान कहीं भी दे मीडिया दिखा देता है, तो अगर बयान सही है तो ठीक है, नहीं है तो भाई मीडिया ने जोड़ तोड़ कर दिया है। अब आप बताइए, क्या पुरंदेश्वरी जी का दौरा जिस तरह से हुआ है, जैसे सुना है हमने कि काफी आक्रामक रही है वो और इस बात से उन्होंने नाराजी भी जाहिर की है, जो हमने पहले इनसे गुटबाजी की बात की है, आपको क्या लगता है क्या उनके तेवर कैसे रहे हैं और इससे जो उनका दौरा हुआ है हमारे
वरिष्ठ जन शर्मा द्वारा जी तो हैं, उनसे हम टिप्पणी लेंगे, लेकिन आपने क्या देखा पूरा घटनाक्रम, इससे ये जो पटाक्षेप हो जाएगा, जो बयानबाजी का पटाक्षेप दौर चल रहा है? देखिए सर, जब 2018 के चुनाव हुए थे और उसमें जिस तरह के नतीजे आए थे, उसके बाद जो है कार्यकर्ता बेहद हतोत्साहित थे, निराश थे, और सबका यही कहना था कि जो तीसरा कार्यकाल था डॉक्टर रमन सिंह का, उसमें कई सारी विसंगतियां थी जिसके चलते कार्यकर्ता नाराज थे, आम जनता भी नाराज थी, और यही वजह थी कि परिणाम बदल गया। हालांकि लोकसभा चुनाव में पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन किया और मोदी के चेहरे पर वोट किया, और जो विधानसभा चुनाव के नतीजे थे जिसमें केवल भाजपा को 15 सीट पर सिमटना पड़ा था, वो लोकसभा चुनाव के नतीजों पर नजर डालें तो कुल 90 विधानसभा में 60 में उनको लीड मिली थी लोकसभा चुनाव में, तो वो वहां पर थोड़ा सा पार्टी के लोगों को लगा कि नहीं, यहां पर स्थिति ठीक है। लेकिन कुल मिला के दो साल में देखें तो विशेष ऐसी कोई बात नहीं आई कि एक विपक्ष के रूप में बहुत मजबूती से भाजपा जो है मुद्दों को जनता के सामने रख रही है। हालांकि जो डी पुरंदेश्वरी है, उन्होंने तारीफ की इस बात के लिए कि बहुत कम संख्या होने के बाद भी विधानसभा में भाजपा के विधायकों का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा और सरकार को घेरने में वो कामयाब भी रहे। लेकिन अब एक लंबा पीरियड था कोरोना का और उस दौरान कोई विशेष राजनीतिक गतिविधियां नहीं हो रही थी। अब जाकर जब सरकार के दो साल पूरे होने वाले हैं, ठीक उसी से कुछ दिन पहले जो है डी पुरंदेश्वरी ने जो दौरा किया, उससे एक कार्यकर्ता रिचार्ज जरूर हुए। एक भाजपा की ओर से एक बड़ी राजनीतिक गतिविधि दिखाई दी, उनके आने के 3-4 दिन पहले से एक माहौल जो है कार्यकर्ताओं में बनने लगा, दूर दराज के कार्यकर्ता जो है वो राजधानी की ओर आने लगे, तो इस तरह से जो है वातावरण का निर्माण तो जरूर हुआ। और जिस तरह से उन्होंने क्लास ली लगातार, जिस तरह से अनुराग जी ने बताया कि लगातार उन्होंने बैठकें की और सभी को, इवन जो विधानसभा चुनाव में हारे हुए लोग हैं उनको भी बुलाकर उनसे 1-to-1 मीटिंग की कि आखिर क्या कारण था कि उनकी हार हुई। इसके अलावा जो खास बात ये थी कि उन्होंने कहा कि देखिए आपका व्यक्तिगत योगदान क्या है पार्टी को ऊपर उठाने में, इस बात पर उन्होंने बार बार जोर दिया कि पार्टी का जो राष्ट्रीय चेहरा है या देश भर में जो पार्टी की छवि सुधर रही, उससे हमको लेना देना नहीं, आपका व्यक्तिगत क्या योगदान होगा इस बात की प्लानिंग बनाकर दीजिए। तो कुल मिलाकर जो उनका 2 दिनी दौरा था उसमें उन्होंने भरपूर कोशिश की कि जो पार्टी की कमियां हैं उन कमियों को वो समझें और 2023 में कैसे बेहतर कर सकते हैं वो करें। अब देखना होगा कि उन्होंने जो जो नसीहत दी है उस पर पार्टी क्या आगे आने वाले दिनों में क्या रुख लेती है। इसके अलावा जो आपने बात कही कि जो गुटबाजी को लेकर जिस तरह की बातें आ रही थी, खासतौर पर चुनाव में हारने के बाद जो है जिस तरह की बयानबाजी हो रही थी, उससे निश्चित तौर पर एक मैसेज गलत जा रहा था कि यहाँ पर जो है पार्टी में जो अनुशासन है जिसके लिए भाजपा जानी जाती है उसमें कहीं न कहीं कमी आई है, उसकी चीज के लिए उन्होंने विशेष दिशा निर्देश दिए हैं। आने वाले दिनों में इसका कितना पालन होता है ये देखने वाली बात होगी। बाबूलाल जी, सबसे पहले तो आपको बधाई, हमने देखा डिजिटल मीडिया में कि आपके पोते का जन्मदिन था कल, आपको बधाई, पोते को भी आशीर्वाद भी है, बधाई भी है, शुभकामनाएं हैं। जी, सवाल यहाँ ये है कि दो सवाल हैं। पहला सवाल, क्या दुर्ग और रायपुर के बीच में जो खाई बीजेपी में है वो पट जाएगी? दूसरा सवाल ये है कि देखिए 15 साल मुख्यमंत्री रहे रमन सिंह जी, तो आदिवासी तक मैसेज पहुंच गया भाजपा यानी रमन सिंह जी, क्या रमन सिंह जी की छत्र छाया जो अभी भी है, जिसके छाया में है अभी ऐसा लगता है बीजेपी, उस छाया से बीजेपी दूर होगी और एक बीजेपी जो इतना बड़ा संगठन है उस संगठन काम कर पाएगा वहां? देखिए, सबसे बड़ा नाम जो है वो चंद बड़े नेता है जिनको पूरा छत्तीसगढ़ जानता है जी, उनमें डॉक्टर रमन सिंह का नाम सबसे ऊपर है फिलहाल जी, ब्रिजमोहन है, प्रेम प्रकाश पांडे हैं, ऐसे कुछ नेता हैं जिनको पूरा प्रदेश जानता है जी। अब सवाल आता है कि जो आपने कहा दुर्ग और रायपुर का जो गैप है, गड्ढा है जी, वो इन्हीं लोग के बीच में है जी, इन्हीं लोग के नेतृत्व में जो है वो कहा जाता है गुटबाजी होती है जी, गुटबाजी है जी, तो उसको दूर करने का एक बड़ी चुनौती जो है पुरंदेश्वरी देव जी। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं जो मेरे दिमाग में है कि पुरंदेश्वरी डी जो है वो एनटी रामाराव की बेटी है जी, जिनको राज चलाने का भी अनुभव है और केंद्र में मंत्री रहने के नाते कांग्रेस के समय जो है इनको राज कैसे चलाया जाता है, अंदरूनी चीजें क्या होती है उसकी भी जानकारी है,
और एनटी रामाराव की बेटी होने के नाते इनको संगठन की भी जानकारी है कि संगठन कैसे बनाया जाता है और चलाया जाता है। जी। और जहां तक सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी की जो संस्कृति है उस संस्कृति से तालमेल कैसे बैठाएं, क्योंकि आप देखिए प्रदेश में बहुत कम नेताओं को ये आज के दिन में जानती है उनकी तासीर क्या है, उनको पहले समझना होगा, उनकी तासीर को समझना होगा, वर्तमान स्थिति यहाँ गुटबाजी की किस तरह की है, कैसे 15 साल की बात है। और सबसे बड़ी बात आपको बताएं कि आखिर क्या जो जिस कारण से भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ से चली गई, वो नाराजगी क्या लोगों की दूर हो गई है, ये सबसे बड़ी चुनौती है। क्या उस नाराजगी को दूर करने के लिए कोई काम अभी इस दौरान हुआ है यहाँ के नेताओं के द्वारा, ये चुनौती है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ प्रभारी रहे हुए हैं, मैं मानता हूँ कि उन्होंने जरूर निश्चित रूप से जो है यहाँ के हर नेताओं की जानकारी उनको है, तो टिप्स कुछ ना कुछ दिए होंगे सुरेंद्र सिंह देवी को कि इस तरह से अपने को काम करना है। और मुझे ऐसा लगा प्रारंभिक दिवस में कि वो उसी लाइन पर काम कर भी रही है, उनको मालूम है यहाँ की स्थिति जो है, कहीं ना कहीं टिप्स के रूप में नड्डा जी ने बताया है यहाँ के नेताओं के बारे में। अब वो कुछ नेताओं को जानती है लेकिन बाकी नेताओं को उनको समझना है, उन सारी चीजों के बाद जो है यहाँ के रास्ते बनेंगे। अब संघ के संस्कार से जुड़े जो समय समय पर सच बोल देने वाले नेता है उनको इनको साधना है। लंबे समय से जो एक स्थिति बनी हुई है यहाँ पे उन नेताओं को साधना है, और जिन लोगों को फ्रस्ट्रेशन है, जिन युवाओं को, जिन कार्यकर्ताओं को नाराजगी झेलनी पड़ी है या उनका जो उपेक्षा हुई है उनको ठीक करना है। और लंबे समय से जो पंजे जमाकर पार्टी में समय समय पर छीछा लेदर करवा रहे नेताओं, इनके नेता जो है उनको साधना है, शासन काल में उपस्थित रहे लोगों को साधना है। अच्छा कैसे इतने लंबे चौड़े इसको करेंगी, निश्चित रूप से नड्डा जी का की टिप्स इनको काम आएगी। और कहीं ना कहीं जो है किस रास्ते से कांग्रेस सरकार फिर से जीती जा सकती है, ये भी एक लाइन बनाना है। आज मुख्यमंत्री की जो किसान की छवि बनी है, किसान की ग्रामीण के संबंधित जो उनका उनकी योजनाएं हैं और जो उनका ग्रामीण क्षेत्र में काम है उसका मुकाबला इनको करना है। किस तरह से करेंगे, किस तरह से एक कर, सबसे पहले तो पार्टी को इनको एक करना है। एक मत में जब ले आएंगी तो उसमें किसका किसका सहयोग मिलता, संघ का सहयोग मिलता है कि नहीं मिलता, पिछली बार नहीं मिला था, तो उसके बाद जो है वो लाइन बन पाएगी कि आखिर 2023 का चुनाव हम कैसे जीतें और किस तरह से मुकाबला हम करें। राजनीति के जो तौर तरीके जो है यहाँ की जो ताशीर है वो आंध्र से कुछ मिलती जुलती नहीं है, लेकिन भावनाओं के मामले में जो है आंध्र से मिलती जुलती है, लोग यहाँ भावनात्मक हैं और राजनीतिक ताशीर अलग अलग है। जी जी बिल्कुल सही कहा, हम आपके पास फिर से आते हैं। एक बार देखिए, अगर 15 साल मैंने 3 बार चुनाव रमन सिंह जी के नेतृत्व में जीते हैं तो जो चुनाव हारे हैं वो भी रमन सिंह जी के ही कारण हारे हैं, ये बड़ा सवाल है। ऐसे में रमन सिंह जी के कार्यकाल और भूपेश जी के कार्यकाल में क्या तुलना है, हम आपके पास आते हैं पूछते हैं। रमेश जी बहुत अच्छे से नजदीक से पिछले 40 साल से संघ और बीजेपी और सबको जानते रहे हैं। रमेश जी, वर्तमान में जो स्थिति छत्तीसगढ़ में है, वो जो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ हुआ करता था 2003 के पहले, बीजेपी की स्थिति जो थी उस स्थिति में छत्तीसगढ़ की बीजेपी है फिलहाल, आपको लगता होगा कि सारे चुनाव लगातार हार रहे हैं और इतनी बुरी तरह से 2/3 बहुमत लेके कांग्रेस आ जाए तो ये मुझे लगता है कि उसी स्थिति में चली गई। 90 को छोड़ दें तो जैसे पहले कि अब बीजेपी इस बार सरकार में आ जाएगी, फिर पता चला सीटें आधी रह गई, तो जिस तरह से बीजेपी सर्वाइव की है और फिर अपना उसने भाग जमाई है, ऐसे कैसे छत्तीसगढ़ में सर्वाइव कर पाएगी, क्या कर पाएगी, आपको रमन सिंह जी के नेतृत्व में ही सर्वाइव कर पाएगी कि रमन सिंह जी को साइड करेंगे तब सर्वाइव कर पाएगी। देखिए मोटे तौर पर आपने बिल्कुल सही कहा जी कि अगर 3 चुनाव जीते थे तो रमन सिंह जी के कारण और हारे हैं तो वो उन्हीं के कारण हारे जी। और फिर एक इन 1.5 वर्षों में 2 वर्षों में ये जो सरकार के 2 वर्ष अब होने आ गए हैं छत्तीसगढ़ की सरकार के, इसमें स्वाभाविक रूप से कांग्रेस की सरकार ने अपनी पॉजिटिविटी बढ़ाई है जी। और भाजपा की नेगेटिविटी बढ़ी है, इसलिए भी लगातार चुनाव हार रहे हैं। आमतौर पर अगर लोकसभा चुनाव को माइनस कर दे तो आप स्थानीय चुनाव भी आप हारे, और इसके अलावा वाकई छत्तीसगढ़ में भाजपा अगर नुकसान में जा रही है तो उसके लिए वो खुद भी जिम्मेदार है। तो मोटे तौर पर भाजपा को सबसे पहले तो मुझे जो लग रहा है, बाकी बाबूलाल जी और अच्छे से बता पाएंगे, मुझे जो लग रहा है कहीं ना कहीं उनको रमन सिंह जी के चेहरे को तो बदलना ही पड़ेगा। और उसका एक कारण और भी है, अगर आप देखें कि 2003 में जब सरकार वहां पर बनी थी
तो रमन सिंह जी स्वाभाविक दावेदार नहीं थे मुख्यमंत्री के, कहीं ना कहीं ये जो टीम है ब्रजमोहन की, ये जो टीम है ये कहीं ना कहीं ज्यादा प्रभावशाली टीम थी। तो फिर भी अब केंद्र ने जो भी निर्णय लिया हो, लेकिन चूंकि छत्तीसगढ़ में उन दोनों संघ का बड़ा काम था और खासतौर से गोविंद सारंग जी ने जो टीम तैयार की थी, गांव गांव जाकर के प्रखंड स्तर पर उन्होंने जो टीम तैयार की थी, उस टीम का लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिला और उसको लाभ को वो स्थायी भाजपा नहीं कर पाई आपस की गुटबाजी और लड़ने के कारण। तो मुझे लगता है भाजपा को अगर वहां सर्वाइव करना है तो सबसे पहले तो अगर ये देखें कि जो योजनाएं जनता के हित की योजनाएं हैं उन पर भी केवल राजनीतिक विरोध की रणनीति पर ही छत्तीसगढ़ में भाजपा काम कर रही है। जैसे मान लीजिए गायों को लेकर के उन्होंने गोबर बिक्री और कई तरह की योजनाएं बनाई, इस पर भी भाजपा ने वहां विरोध किया। या गेहूं को जो उन्होंने किसी तरीके से रास्ता निकाला उसका बोनस देने का, उसका भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा भाजपा ने कई तरह की उसमें बाधा खड़ी करने की कोशिश की। तो मैं समझता हूँ भाजपा को छत्तीसगढ़ में सबसे पहले तो अपनी खुद को संगठन को ठीक करें, नया नेता उभारे वहां पर, और एक ऐसा नेता उभारे जो अपेक्षाकृत यूथ हो और युवा नेतृत्व को के सामने बात रखे, और फिर जो नीतियां सही हैं उनका समर्थन करें और जो नीतियों में खामी है क्रियान्वयन पर जोर दें। कि मान लीजिए गाय के गोबर बेचने की योजना है, रोका छेका योजना है, इनमें खामियां क्या है उसको इश्यू बना करके आगे बढ़े, तब फिर भाजपा वहां पर सर्वाइव कर पाएगी। लेकिन जितनी जगह भाजपा चुनाव हारी थी उसमें केवल छत्तीसगढ़ ऐसा है कि जहां भाजपा अपनी रिकवर नहीं कर पा रही है। जी अनुराग जी, रमेश जी की टिप्पणी है, जो योजनाएं अच्छी हैं, संघ ने भी मुख्यमंत्री जी का स्वागत किया है, जाकर के स्वागत किया है, खासकर गाय के मामले में। ऐसे कामों में भी अगर आपकी पार्टी खामियां निकालेगी तो जनता कहां तक साथ देगी आपका? देखिए त्रिपाठी जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दो साल सरकार को हो गए जी, अब भारतीय जनता पार्टी जब मुखर विरोध नहीं करती थी तो ये विषय उठता था कि भारतीय जनता पार्टी अपनी विपक्ष की भूमिका नहीं निभा रही। मुखर विरोध जहां विरोध करने लायक मुद्दा हो वहां करें ना, जहां विरोध करने लायक नहीं है जैसे गोबर खरीदी वाले मामले में है, गायों की सुरक्षा के मामले में है, उसमें तो आपका आप अनुसांगिक संगठन है संघ के, संघ ने तारीफ की है उनकी। मैं उस पर ही आ रहा हूं। मुझे ये लगता है कि निश्चित रूप से जो मुद्दे विरोध करने योग्य हैं या जो प्रश्न उठाने लायक हैं भारतीय जनता पार्टी ने उनको विषय बनाया है। उदाहरण के लिए जैसे अभी 11 लाख हेक्टेयर जो धान का रकबा था उसमें कमी आ गई 2018 की तुलना में, तो भारतीय जनता पार्टी को तो ये विरोध का विषय है, ये कि बहुत बड़ा विषय है ये, इसको हमको उठाना चाहिए। जहां तक गोबर खरीदी की योजना है, भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा कि 59 करोड़ रुपया आपने भुगतान किया गोबर खरीदी करने के लिए। हाँ। तो उसको जो आपने बर्मी कंपोस्ट में जब उसको डेवलप किया तो उसके बाद जो खाद बना उससे कितना राजस्व प्राप्त हुआ, ये तो भारतीय जनता पार्टी पूछेगी, उसमें आपका क्या ऑडिट है, आपने क्या उसमें उसके लिए वो कहा है। तो ये जब हम प्रश्न उठा रहे, हम तो गौ संवर्धन का के पक्ष में है, भारतीय जनता पार्टी उसका स्वागत करती है, लेकिन इसको लेकर जो एक जो वातावरण बन रहा है, जो घोटाले की स्थिति बन रही है, उसकी तरफ हम सरकार को ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। तो इसमें ऐसा नहीं कि हम ऐसे मुद्दे पर विरोध कर रहे हैं जो नहीं करना चाहिए। वास्तव में भारतीय जनता पार्टी गंभीरता के साथ सरकार को दो साल काम करने के लिए दिया है और अब हम उन मुद्दों को जिसपे वो उनके फ्लैगशिप योजनाएं हैं उनको हम उठाने की कोशिश कर रहे हैं, उसका विरोध करने की कोशिश कर रहे हैं, और आने वाले समय में मुखर विरोध की तरफ भारतीय जनता पार्टी जाएगी, जैसा प्रभारी जी का प्रवास हुआ है और उन्होंने निर्देश भी दिया है इस बात के लिए। बाबूलाल जी, ऐसे मुद्दे जो सही है, जो निचले स्तर तक के एक छोटे से किसान या जो बीपीएल कार्ड धारक है, गरीब लोगों को भी योजनाएं ऐसी हैं भूपेश जी की जो उनको फायदा पहुंचाने वाली योजनाएं थी, उन योजनाओं में भी बीजेपी ने विरोध किया है या नहीं किया है? किया है, कहीं कहीं पे किया है जी। मैं रमेश शर्मा जी की बहुत सारी बातों से सहमत हूँ। उन्होंने जो ग्रामीण क्षेत्र की बात की है भूपेश के जो केंद्र में है जी, देखिए जितनी भी योजनाएं आप ध्यान से देख लीजिए, सारी की सारी योजनाएं लगभग लगभग जो है वो किसान और ग्रामीण पर आधारित है, चाहे वो किसान कर्ज माफी का मामला हो, समर्थन मूल्य हो,
राजीव गांधी न्याय योजना हो, नरवा गरवा घुरुआ बाड़ी हो, गौठान योजना हो, गोबर योजना हो, और भी बहुत सारी आदिवासियों की जमीन वापसी है, नया कृषि भी। और तो और आपको मैं एक बड़ी बात बता रहा हूँ कि इस मुख्यमंत्री ने खेत खलिहान तक जाने वाले कच्चे रास्ते का डामरीकृत करने, मतलब उसको घरसा विकास योजना नाम दे करके, जो बहुत महत्वपूर्ण चीज है, जो खेत खलिहान तक जाते हैं किसान कच्चे रास्ते से, उस रास्ते को भी डामरीकृत करवाऊंगा करके घरसा विकास योजना इन्होंने दी है। मतलब इनका पूरा ध्यान किसान और ग्रामीण पे है। अब उसका मुकाबला इनको करना है। इनकी छवि जो किसान मुख्यमंत्री की बनी हुई है, रमेश शर्मा जी ने बिल्कुल सही कहा कि उसका मुकाबला इनको करना है। और किस तरह करेंगे? सबसे पहले तो इनको एक होना पड़ेगा, सबसे पहले एक होना पड़ेगा। और देखिए, मैं जहां तक दोनों कार्यकाल का मामला बोलता हूं, तो डॉक्टर रमन सिंह ने इंफ्रास्ट्रक्चर का काम बहुत शानदार किया था, उसका कोई विकल्प नहीं, बहुत शानदार काम किया था। अगर प्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस के लोग न भी बोले तो मन में जरूर जानते हैं कि बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर का काम, उसका कारण दूसरा बताया गया, लोगों ने ये भी कहा कि खूब भ्रष्टाचार हुआ है, अभी भी बहुत हुई, लेकिन एक वो काम और एक पीडीएस के काम में निश्चित रूप से रमन सिंह ने अच्छा काम किया। और अब भूपेश मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जो ध्यान है वो सिर्फ किसान और ग्रामीण पर, उनका शहरी नुकसान कुछ हो सकता है, लेकिन उनके जो लोग हैं जो नगर निगम में जो उनके मेयर बने हैं जितने भी 10 लोग, वो लोग उस पर ध्यान देंगे। स्मार्ट सिटी के इसमें शहरी को भी खुश करने का प्रयास लगे हुए हैं, सौंदर्यीकरण के काम में लगे हुए हैं, विकास के काम में लगे हुए हैं, तो ये विश्वास करके चल रहे हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कि मुझे जो 65-70% जनता है ग्रामीण, वो अगर साथ दे देगी 2023 में भी, मैं फिर विन कर जाऊंगा। और उसका ध्यान इसलिए पूरी तरह से उस पर है, लेकिन इसमें एक अड़चन जरूर मुझे महसूस होती है अपने अनुभव के आधार पर कि ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम उसका कितना साथ देगा, इन योजनाओं को जमीन तक कैसे पहुंचाएगा या नहीं पहुंचाएगा या बीच में गड़बड़ कर देगा, ये देखने वाली बात भविष्य में रहेगी। और निश्चित रूप से जो है कहीं ना कहीं जो है इनको टक्कर लेनी पड़ेगी। और एक बात बोल रहा हूं मैं, गोविंद सारंग जी ने यहाँ के छत्तीसगढ़ के जो संगठन का जो प्रारूप है वो शुरुआत की थी बनाने की, मजबूत करने की, उस दौर में जो लोग उनका साथ जब ज्यादा से ज्यादा दिए थे उनमें मुझे अच्छे से मैं खुद देखा हूँ, प्रेम प्रकाश पांडे, ब्रिज मोहन, नारायण चंदेल और अजय चंद्राकर, ये लोग जो थे इनके साथ थे। तो वो जो गुट कहला रहा है आज, उसको कहीं तवज्जो अगर नहीं मिलेगी तो निश्चित रूप से जो संगठन के काम में भी दिक्कत आएगी, एक होने में दिक्कत आएगी। कहीं ना कहीं मानसिक रूप से ये जो दो गुट के नेता है इनको एक होना पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी समझना पड़ेगा अपने आप को, तब जो है वो आगे की रास्ते बनेंगे। और अन्यथा जो है वो आप भी समझ रहे हैं, मैं भी समझ रहा हूँ कि अंदर खाने में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, और उसको आगे बढ़ाने में जो है पुरंदेश जी को कैसे मदद मिलेगी, कैसे वो आगे बढ़ेंगी, नड्डा जी के टिप्स उनको कितना सहयोग कर पाएंगे, ये देखने वाली बात भविष्य में रहेगी। निश्चित रूप से प्रयास पुरंदेश देवी का 36 घंटे का जो यहाँ हुआ वो बेहतर हुआ है, और ऐसा उम्मीद की जानी चाहिए कि कार्यकर्ता इसको समझेंगे और निश्चित रूप से ग्रामीण क्षेत्र के अंदर में जो है बेहतर काम करने का प्रयास करेंगे। और जो नाराजी, जिस नाराजी से सरकार बदल गई, उस नाराजी को कैसे दूर करेंगे यहाँ के नेताओं को समझना होगा। भूमि, इसलिए तो मैंने आपसे सवाल किया था कि छत्र छाया से बाहर नहीं आएगी क्या? छत्र छाया में देखिए, आज भी इनके पास में रमन सिंह के चेहरे का कोई विकल्प नहीं, उससे बड़ा कोई चेहरा आज है नहीं। अगर इनको जैसा कि रमेश भैया ने कहा कि रमन सिंह का विकल्प देखना होगा, अगर इनको विकल्प देना है और ये सोच रहे हैं ऐसी बातों को, तो निश्चित रूप से अभी से उस चेहरे को प्रतिष्ठा कर देनी होगी। जो दूसरा चेहरा इनको लाना है उसको प्रतिष्ठा देनी होगी, उसको प्रदेश भर में ऐसी स्थिति पैदा करनी होगी कि लोगों के दिमाग में वो छाए। और निश्चित रूप से जो है कहीं ना कहीं सोच तगड़ी हो ऐसे व्यक्ति को अगर ये प्रतिष्ठा दिलाएं, उनको अगर आगे लाएं, तो रमन सिंह की तस्वीर को धूमिल कर सकते हैं। अन्यथा आज की स्थिति में अगर मुझसे कोई पूछे तो रमन सिंह का चेहरे का कोई भी विकल्प अभी भारतीय जनता पार्टी खाते में नहीं है, और पुरंदेश्वरी देवी इस बात को अच्छे से समझ चुकी है। बिल्कुल, ऐसे आप हमसे बहुत वरिष्ठ हैं, मुझे कहना नहीं चाहिए, अगर आपको 15 साल मुख्यमंत्री रहने को मौका मिलता तो आपका भी विकल्प कोई नहीं होता। और 15 साल मुख्यमंत्री किसने दिया? बीजेपी ने दिया। इसीलिए मैंने कहा त्रिपाठी जी कि अगर इनको उसका विकल्प पैदा करना है तो चेहरा आज ही प्रतिष्ठा देना पड़ेगा आज चेहरे को। जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। मनोज जी, क्या लगता है आपको? आपने देखा होगा उनके दौरे पे, कार्यक्रम को भी देखा होगा, ये जो गुट की बात कर रहे हैं, अब ये तो नहीं पूछूंगा किस गुट को ज्यादा तवज्जो दी गई, किसको नहीं दी गई, लेकिन ये क्या इनमें सामंजस्य दिख रहा था? अरे वहां कम से कम उनके
जो उनकी मीटिंग हुई है उसमें भी आपस में बातचीत हो रही थी नहीं हो रही थी, कुछ लग रहा था आपको? देखिए उस दिन जो है एक बड़ा कार्यक्रम था और पुरंदेश्वरी जी के आगमन के समय जो है वो सभी गुट के लोग वहां पर नजर आए, बैठकों में भी सभी गुट के लोग नजर आए, और इस तरह की कोई बात नहीं आई कि एक दूसरे गुट के खिलाफ वहां पर शिकायत हुई हो। जाहिर तौर पर ये उनका पहला दौरा था और शायद सब नेताओं को ये मालूम था कि वो एक मैसेज लेकर आए हैं और उनके नेचर के बारे में भी सबको मालूम था, इसलिए इस कार्यक्रम में कम से कम उस कार्यक्रम स्थल पे गुटबाजी नहीं दिखी। चलिए आप ये दिखा नहीं दिखा कि एक दूसरे के गले में हाथ डाले हो? हाथ डाले हुए तो दिखे जी। चलिए वो हाथ किसका था कैसे था वो अलग है, चलते चलते रमेश जी आपके संक्षिप्त टिप्पणी इस पूरे मुद्दे पे। नहीं, स्वाभाविक रूप से जैसा कि बाबूलाल जी ने कहा और मैंने चूंकि संकेत में एक बात कही थी कि सरकार ने चूंकि छत्तीसगढ़ की वर्तमान सरकार ने अपनी सकारात्मक पॉजिटिविटी बहुत बढ़ाई है और उसका मुकाबला वहां पर भाजपा नहीं कर पा रही है, तो उसके लिए उनको प्रयत्न करना ही होंगे। और एक जैसे अभी भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे, अब आप मुझे बताइए वो खामी उसमें निकाल रहे हैं गोबर कलेक्शन से कैसी कंपोस्ट खाद बनी, अरे वहां उत्खनन में कितना भ्रष्टाचार होता है, कितना व्यापारी उसमें नहीं करेंगे, गाय के गोबर में अगर मान लीजिए 5-25 करोड़ रुपए का कुछ ऊपर नीचे हो भी गया तो गौ माता पर ही तो गया, गाय की रक्षा के लिए तो भगवान जी अवतार लेते हैं, 10-20 करोड़ अगर उसमें चला गया तो उसको छोड़िए, जो सरकार दूसरे काम गड़बड़ी के कर रही है उसकी तरफ नजर बनाइए, अपनी प्राथमिकता बदलिए, अपने मुद्दे बदलिए और एक चेहरा पूरी पदयात्रा होना चाहिए। छत्तीसगढ़ में माहौल अगर बनेगा, बाबूलाल जी मेरी बात से सहमत होंगे, जब पटवाजी ने यात्रा निकाली थी बस्तर से झाबुआ तक और छत्तीसगढ़ में वो जो घूम करके गए और उस बात को फिर गोविंद सारंग ने संगठन का रूप दिया, वहां से भाजपा खड़ी हुई, भाजपा को दोबारा छत्तीसगढ़ में बिल्कुल इसी तरह की कोई मिलती जुलती रणनीति अपनाना होगी तब भाजपा सरवाइव कर पाएगी, वरना 2023 में रमन सिंह को ये भूपेश बघेल को कोई रोक नहीं पाएगा, ये बात तय समझ लीजिए जी। अनुराग जी सचेत हो जाइए, हम कहेंगे नहीं, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ, लेकिन सचेत हो जाइए। ये दो जो वरिष्ठ पत्रकार जो टिप्पणी कह रहे हैं इनको मैं लंबे समय से जानता हूं, इनकी टिप्पणी जो आती है जिस तरफ इशारा करती है वही सच होता है अनुराग जी? नहीं, सारे वरिष्ठ पत्रकारों के मार्गदर्शन का स्वागत है और भारतीय जनता पार्टी सबका मार्गदर्शन लेती भी रहती है। हम लोग 15 साल सरकार में रहे हैं तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ बातें होंगी जिसको हमको सुधारना चाहिए, वो सुधारने का प्रयास भी जारी है और आने वाले समय में हम कैसे फिर से अपनी पुरानी स्थिति में आ सकते हैं इसके लिए हम लोग सब लोग टीम भावना के साथ और जो सुझाव माननीय पत्रकारों ने दिया है आज उस पर विचार करते हुए हम और अधिक पॉजिटिव इश्यूज के साथ जनता के बीच में जाएंगे। उसे ऐसा कहा जाता है कि तीनों बार जो सरकार बीजेपी की बनी है, कहा जाता है, मेरा आरोप नहीं है, उसमें जोगी जी का बहुत बड़ा हाथ था। पहली बार बनी तो जोगी जी का विरोध बहुत जबरदस्त था, 8 और 13 में जो बनी उसमें जोगी जी का परोक्ष रूप से सहयोग बहुत था। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग जी, आपका भी, मनोज जी आपका भी, बाबूलाल जी आपका भी, हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के। तो छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के रूप में है और मौजूदा कांग्रेस की भूपेश सरकार लगभग आधा कार्यकाल पूरा करने की ओर है। ऐसे में आने वाले चुनावों को लेकर और किस तरह की रणनीति विपक्ष की होगी इस पर बीजेपी की नई प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने विस्तार से चर्चा भी की है। वहीं विपक्ष के 3 साल के कामकाज का भी उन्होंने खाका खींचा है। पुरंदेश्वरी जी ने सभी नेताओं कार्यकर्ताओं को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि मिशन 2023 के लिए सभी को जनता के बीच काम करना होगा और जो भी लापरवाही बरतेगा उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे में ये भी लग रहा है कि आने वाले दिन में प्रदेश भाजपा में जिम्मेदारियों को लेकर बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है। खैर, छत्तीसगढ़ के बाद रुख करते हैं मध्य प्रदेश की ओर, जहां आगामी समय में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव को लेकर पब्लिक फिर पावर में आ गई। तो मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव कब होंगे ये अभी तय नहीं, लेकिन इसे लेकर दोनों प्रमुख राजनीतिक दल लगातार रणनीतियां बना रहे हैं। इस बीच सीएम शिवराज ने कमलनाथ को बड़ा झटका भी दे दिया है। दरअसल प्रदेश की वर्तमान बीजेपी सरकार ने पूर्व की कमलनाथ सरकार के निकाय चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से कराने वाले फैसले को पलट दिया है। शिवराज सरकार ने निर्णय लिया है कि महापौर और नगर निगम अध्यक्ष का चुनाव पार्षद नहीं करेंगे, बल्कि इन्हें सीधे जनता ही चुनेगी।
ऐसे में सवाल यह है कि क्या इससे बीजेपी को बड़ा फायदा और कांग्रेस को नुकसान होगा, या नतीजे कुछ भी हो सकते हैं। इसके अलावा सवाल और भी उठ रहे हैं जिनका जवाब जानने की कोशिश करें। चलिए उसके पहले देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव अब प्रत्यक्ष प्रणाली से ही होंगे, जिसका मतलब यह है कि महापौर और परिषद अध्यक्ष को सीधे जनता ही चुनेगी। यह बड़ा फैसला मंगलवार को हुई शिवराज कैबिनेट में लिया गया। हालांकि इस मामले में